कच्ची शराब के लिए कुख्यात मऊ माफी ग्राम पंचायत के कबूतर डेरा पर पुलिस व आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्यवाही की। इस मौके पर जगह जगह छिपा कर रखा 5000 किलोग्राम लहसुन नष्ट किया गया। वहीं 350 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की गई। आपको बता दें कि कच्ची शराब के कारोबार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जिलाधिकारी आलोक सिंह व पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। इस क्रम में रविवार को क्षेत्राधिकारी सदर फूलचंद के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर मनोज कुमार मिश्र ने पुलिस बल व आबकारी विभाग के कर्मियों संग ग्राम पंचायत मऊ माफी स्थित कबूतर डेरा पर दबिश दी, तो वहीं पुलिस फोर्स को देखकर शराब बना रहे लोगों में भगदड़ मच गई, जिसको जहां मिला दौड़कर भागने लगा। इस बीच पुलिस ने कई स्थानों पर जमीन के नीचे रखा लहसुन भी नष्ट किया। लगभग 5000 किलो लहसुन नष्ट किया गया। आपको बता दें कि शराब बनाने वाली भट्टियों को भी पुलिस ने नष्ट कर दिया है। मौके से 350 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की गई। कार्यवाही के दौरान पुलिस व आबकारी दल ने 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कार्यवाही की। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ललितपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 3/7/22 को आबकारी इंस्पेक्टर कोतवाली सदर मैफोर्स के साथ ग्राम मऊ माफी में कबूतरा डेरा पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान 350 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। मौके से 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। मौके पर 5000 लीटर लहन नष्ट किया गया। शराब बनाने के उपकरण को नष्ट किया गया। अभियुक्त के खिलाफ में मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है।